स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कौन होता है? रैंडम वेरिएबल कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी कोई भी डिफाइंड वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सामने ध्यान दो बेटा, जिसकी वैल्यू डिफाइंड होगी, प्रॉपरली डिफाइंड होगी, वो कहलाएगा रैंडम वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डाइस को फेंका, ठीक है, डाइस को फेंका, रिजल्ट आएगा 1, 2, 3, 4 या 5 या 6। ये डिफाइंड वैल्यूज हैं। ये एक्स को मैं क्या बोल सकता हूं? रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इसकी डिफाइंड वैल्यूज है 1 से 6 तक। कोई भी नॉन डिफाइंड वैल्यू या ऐसी वैल्यू जो आप गेस ना कर सको वो नहीं होनी चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल, जिसकी डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड वैल्यूज हो। जैसे मैंने बोला एक कॉइन की, मैंने 3 कॉइन्स को टॉस किया, नंबर ऑफ हेड्स को मैंने बोल दिया रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या आ सकते हैं? या तो एक भी नहीं आएगा, या एक बार हेड आएगा, या दो बार हेड आएगा, या 3 बार हेड आएगा। तो 0, 1, 2 या 3, ये क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल। इसकी एक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ हेड्स। ठीक, यही चीज यहां एक्सप्लेन की है मैंने आपको। क्या बोला? इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एक्स में अज्यूम एनी डिफाइंड रियल वैल्यू। तो एक्स की अगर कोई डिफाइंड रियल वैल्यू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल मैंने लिया, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइंस 3 टाइम्स, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस, उसको हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ हेड्स क्या आ सकते हैं? या तो 0 हेड्स आएगा, या एक बार हेड आएगा, या दो बार हेड आएगा, या तीनों बार हेड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रैंडम वेरिएबल। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको यहां तक समझ में आ गया? अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इन रैंडम वेरिएबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी टेबुलर फॉर्म में लिख दूं, इन सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो क्या बन जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में समझो, आपको बोला इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग कॉइन 3 टाइम्स फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। इन टॉसिंग कॉइन 3 टाइम्स लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। ये लिखना जरूरी है कि आप एक्स ले किसको रहे हो। देयरफोर एक्स मे हैव वैल्यूज 0, 1, 2 और 3। यस और नो? या तो नंबर ऑफ हेड्स मैंने बोला, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या दो हेड्स आएंगे, या तीनों हेड्स आ जाएंगे। मानते हो बात? क्लियर? तो ये हो गया एक्स। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और टेबल में लिख देनी है इन सब की प्रोबेबिलिटी। पहले सैंपल स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस क्या हुआ? 3 टॉसेस हैं, हेड हेड हेड, 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 2 टेल 1 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, तीनों टेल। तो 8 पॉसिबिलिटीज हुई। अब इंडिविजुअली इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो। फॉर एक्स इक्वल टू 0, फेवरेबल केसेस कितने हुए? 1। कौन सा? टेल टेल, 0 वाला, तो टेल 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 एक ही केस हुआ ना। सो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0 क्या हुआ? 1/8। कोई दिक्कत? फिर आ जाओ फॉर एक्स इक्वल टू 1। फॉर एक्स इक्वल टू 1 फेवरेबल केसेस कितने हुए? 3। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। सो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1 ये हो गया 3/8।
8. क्लियर? फिर आ जाओ फॉर एक्स इक्वल टू टू. फॉर एक्स इक्वल टू टू में फेवरेबल केसेस कौन से हुए? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड. सो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू टू कितना हुआ? अगेन 3/8. राइट? यहां तक समझ में आता है? इसी तरह से फॉर एक्स इक्वल टू थ्री फेवरेबल केसेस कितने हुए? ओनली वन, एच एच एच. सो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू थ्री आपके पास कितनी आई? 1/8. सबकी प्रोबेबिलिटीज निकल गई. अब इनको एक टेबल में बना दीजिए. इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. टेबल बनाया, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सबकी वैल्यूज. एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3. जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8. जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी 3/8. 2 है तो प्रोबेबिलिटी 3/8. 3 है तो प्रोबेबिलिटी 1/8. क्या ये समझ में आता है? ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इजी है? समझ में आया? ध्यान रखने वाली बात, पॉइंट टू रिमेंबर, इन सब का सम मस्ट ऑलवेज बी 1. सम मस्ट बी 1, क्योंकि ये सारे केसेस की टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई ना. और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर सारे केस जोड़ दूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 1. तो इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी, सबका सम हमेशा कितना होना चाहिए? 1. क्या ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है. सो टेबल आपको बनाना है. अभी और भी चीज इसमें निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, वेरियंस निकाल सकते हैं, अभी उस पर भी आऊंगा. ये इतना लिखिए पहले, प्लीज इतना लिखिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट देखिए, आपको बोला एक और क्वेश्चन देखिए. इधर आपको बोला थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. तीन कार्ड निकाल रहे हैं. अगर कुछ नहीं बोला तो विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट होगा तो स्पेसिफाइड होगा. फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस. एसेस नहीं है, एसेस है, नंबर ऑफ एसेस. तीन कार्ड आप निकाल रहे हो तो कितने एस निकल सकते हैं? 0 ace, 1 ace, 2 ace, or 3 aces. ध्यान दीजिए. सो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एसेस. एक्स मान लिए, नंबर ऑफ एसेस कितने निकले. नाउ एक्स मे हैव वैल्यूज अगेन 0 ace, 1 ace, 2 ace, 3 ace. यस और नो? अब इंडिविजुअल सबकी प्रोबेबिलिटी निकालिए. फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? एक भी एस नहीं निकला. तो मतलब नॉन एस, नॉन एस, नॉन एस, नॉन एस. चार, तीन निकाले दो, तीन नॉन एस, नॉन एस, नॉन एस. सो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो में क्या हुआ? तीनों नॉन एस. पहला नॉन एस निकालने की प्रोबेबिलिटी 48/52, दूसरा 47/51, फिर 46/50. ये क्या निकाला? नॉन एस, नॉन एस, नॉन एस. इसका दूसरा तरीका करने का 48C3/52C3. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. 48C3/52C3. क्लियर? समझ में आई यहां तक बात? अच्छा जी, अगर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू वन, पहले x, फॉर x इक्वल टू वन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी x इक्वल टू वन की? अब एक एस है तो तीन केसेस बनेंगे, नॉन एस, नॉन एस, एस, नॉन एस, एस, नॉन एस, एस, नॉन एस, नॉन एस. तीन केस. तो क्या बनेगा? नॉन एस, नॉन एस, एस, नॉन एस, एस, नॉन एस,
एस नॉन एस नॉन एस. पहला नॉन एस निकलने की 48/52, फिर नॉन एस निकलने की 47/51, फिर एस निकलने का 4/50 प्लस 48/52, 4/51, 47/50 प्लस 4/52, 48/51, 47/50. तो आंसर क्या आया? 3 × 48, 47, 4/52, 51, 50. दूसरा तरीका 48C2, 4C1, 52C3. 48 में से दो कार्ड, फिर 4 में से एक कार्ड और 52 में से 3. यस और नो? क्लियर ऑनलाइन सबको? क्लियर यहां तक? आ जाओ x इक्वल टू 2 पे. इसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी? पहले बताओ केसेस. नॉन एस नॉन एस एस नॉन एस नहीं दो एस है नॉन एस 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 नॉन एस 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 नॉन एस एस नॉन एस एस या फिर एस एस नॉन एस. कितना आएगा? 48/52, 4/51, 3/50 प्लस 4/52, 48/51, 3/50 प्लस 4/52, 3/51, 48/50. मानते हो बेटा? दूसरा तरीका इसको करने का 4C2, 48C1, 52C3. क्लियर? समझ में आ गई बात? ये वैल्यूज निकल जाएंगी ना कैलकुलेट होके. फिर आ जाओ फॉर x इक्वल टू 3. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, इसमें सिर्फ एक केस बनेगा. एस 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 4/52, 3/51, 2/50 या फिर 4C3/52C3. अब इसको टेबुलर फॉर्म में बना दीजिए. टेबुलर फॉर्म में बनाइए x और px 0, 1, 2, 3. जीरो का आंसर कितना हुआ? 48C3/52C3, 4C1/48C2/52C3. कैलकुलेट करके वैल्यू लिखनी है आपको इसका. 4C2/48C1/52C3 इसका 4C3/52C3. क्लियर यहां तक सबको? जी बेटा ये 3 marks का कम से कम. ठीक है, इजी लगा? ऑनलाइन सबको क्लियर? और देखिए अब वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, विद रिप्लेसमेंट डाल दिया. अब ध्यान दीजिए, विद रिप्लेसमेंट में करने के लिए पहली बात कॉम्बिनेशन अब नहीं चलेगा, बट मैं चलाता हूं अभी. कॉम्बिनेशन नहीं चलता अभी तक के मेथड्स में आपके. विद रिप्लेसमेंट में अब मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं, डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं. आपको पूरे स्टेप्स मैंने लिखने सिखा दिए, अब मैं डायरेक्ट टेबल बनाऊंगा. x px 0, 1, 2, 3. अब इसमें आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव. जीरो का बना नॉन एस नॉन एस नॉन एस, एक ही केस आया. नॉन एस का हुआ 48/52, अगले नॉन एस का 48/52 अगेन. रिप्लेसमेंट हो गई है, पहला कार्ड निकाला, देखा वाओ, वापस डाल दिया, फिर दूसरा निकाला, तो टोटल 48 ही रहे उसमें और टोटल 52 रहे विद रिप्लेसमेंट है. इनटू 48/52 सॉल्व करके कितना आया? छोड़ो, कर लोगे कैलकुलेट? ठीक है,
4 से जा रहा है 12 by 13, 12 by 13 का क्यूब सॉल्व करके ही आ जाएगा, कैलकुलेट तो हो जाएगा ना। फ्रैक्शन में छोड़ना, पॉइंट्स में मत लाना, फ्रैक्शन में छोड़ना। 1 ace का कितना हुआ, एस नॉन एस नॉन एस, दूसरा केस नॉन एस एस नॉन एस, तीसरा केस नॉन एस नॉन एस एस, तो 3 cases। एक केस का कितना, 4 by 52, 48 by 52, 48 by 52, ठीक है, समझ में आया। कितना हुआ ये 12 by 13, 144, और फिर ये 1 by 13, 144 into 3 और 13 का क्यूब नीचे, 2 aces। इसमें क्या हुआ, एस एस नॉन एस, एस नॉन एस एस, नॉन एस एस एस, क्या बनेगा, अगेन 3 cases, 3 cases, 4 by 52, 4 by 52, 48 by 52। आई बात समझ, क्लियर। अच्छा, तीनों एस में एक ही ऑप्शन, एस एस एस, 4 by 52, 4 by 52, 4 by 52। अब ये 3 वाला है तो केसेस बन गए, सपोज ये 3 की जगह 4 होते, टोटल 16 केस होते, केसेस में खो सकते थे आप, 5 होते और मुश्किल हो जाता, 32 केस टोटल बनते, उसमें से फेवरेबल निकालने कितने मुश्किल थे, लेफ्ट राइट करने में बैंड बच जाती। उसको करने का तरीका होता है, ध्यान दीजिए, ये दूसरा मेथड समझा रहा हूं साइड में। इसमें हम क्या करते हैं, ये कब लगता है, ये जो साइड में मेथड बता रहा हूं, ये लगता है अगर आपके पास 2 options हो, एक हो गया विन और एक हो गया लूज, विन और लॉस, 2 चीजों, ट्रू फॉल्स, 1 2, 2 options हो सिर्फ। जैसे यहां पे 2 ही options है, या तो एस आएगा या नॉन एस आएगा, तब ये लगेगा। जब सिर्फ 2 options हो, जब सिर्फ 2 options हो तब ये लगता है। विनिंग की प्रोबेबिलिटी को लेते हैं पी, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। पी प्लस क्यू हमेशा 1 के बराबर होगा, या तो विन होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आर, मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर विंस इन एन ट्रायल्स। एन बार आपने कोई गेम खेली और आर बार जीती, एन टाइम्स आपने कोई गेम खेली और आर टाइम्स जीती, ये होता है प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन सी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर, विन यानी सक्सेस की पावर, नंबर ऑफ सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर, नंबर ऑफ फेलियर्स। विन बोलो सक्सेस, लूज बोलो फेलियर। जैसे अब इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूं बिना केस बनाए, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने एस को आना मान लिया विनिंग यानी सक्सेस, और नॉन एस को मान लिया फेलियर। तो अगर एक्स इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब आपको कितनी बार गेम खेली है, 3 बार, आपने कितनी बार वो ड्रॉ किया है, 3 बार ड्रॉ किया है, 3 बार ड्रॉ किया है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 3। एक्स इक्वल टू 0 तो 3c0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 4 by 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 48 by 52। यस और नो, विनिंग मैंने एस मानी है, लूजिंग मैंने नॉन एस मानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 3c0, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स। कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है, 3c0 1 होता है, ये 0 1 हो गया, 48 by 52 का क्यूब वही आंसर है।
अब आपने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू वन की करनी है, तो यानी एक विन और दो लॉस। सो थ्री ट्रायल्स में एक विन, विनिंग की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ विन, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स। अब देखो 4/52, 48/52 दो बार ये हो गया और 3C1 अपने आप 3 आ जाएगा, नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे, केस बनाने नहीं पड़ेंगे। यही अगर 5 बार कोई गेम खेली होती और मेरे को बोला था 2 ace चाहिए, केस बनाते नॉन एस, नॉन एस, एस एस, नॉन एस, नॉन एस, नॉन एस, नॉन एस, नॉन एस, इस तरह से केसेस बनते। कितने केस बनते? 5 ट्रायल में आपको उसमें 2 सक्सेस चाहिए होते, 5C2 केसेस बनते। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती कैलकुलेशन, बट वो आपको केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 की कितनी होगी? 3C2, 4/52 की पावर 2, 48/52 की पावर 1। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 की कितनी होगी? 3C3, 4/52 की पावर 3, 48/52 की पावर 1। क्या ये बात समझ में आती है? इसका एक पॉइंटर आपको ध्यान रखना है, विच इज द मेन पॉइंट, पी और क्यू मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। पी और क्यू मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। और ये कॉन्स्टेंट कब रहेंगे? ये कॉन्स्टेंट तब रहेंगे जब केस होगा विद रिप्लेसमेंट का। हर बार एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 है ना इसमें, तभी ये लग रहा है। जो पिछला केस है इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें पहली बार एस निकाला प्रोबेबिलिटी 4/52, अगली बार निकाला 3/51, चेंज हो गई प्रोबेबिलिटी, ये नहीं लगेगा। और इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 48/52:0। ठीक, समझ में आई? पहले बताओ क्या बोला मैंने दोबारा, ये कब लगता है? इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगता है? जब दो केस हो, सक्सेस और फेलियर, या तो सक्सेस हो या फिर फेलियर, या तो सक्सेस हो या फिर फेलियर, या तो सक्सेस हो या फिर फेलियर। दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 1। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता है तो फेलियर की निकल सकती है 1 में से माइनस करके। एन ट्रायल्स में से एन बार कोई गेम खेली और आपको आर बार सक्सेस चाहिए, तो फॉर्मूला होता है एक्स एन सी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स। समझ में आया? समझ में आया? अपने हाथ से लिखिए प्लीज इसको, पहले इन दोनों को अपने हाथ से लिखिए और देखिए क्वेश्चंस। आपको बोला अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 times, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स कौन से होते हैं? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, नंबर ऑफ डबलेट्स। अब 4 बार आपने फेंका है, ध्यान देना, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होगी। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि एक बार फिर दूसरी बार, ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार 1-1 आ गए तो दूसरी बार नहीं आ सकता, तो इसमें भी बाइनोमियल लग सकता है। ठीक है, बिना बाइनोमियल के भी कर रहा हूं, बाइनोमियल के साथ भी कर रहा हूं। सामने देखो, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ डबलेट्स, देयरफोर एक्स मे हैव वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4। यस और नो? यही होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 की, फॉर एक्स इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी निकालो। एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक बार भी डबलेट नहीं आया, तो नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, नॉन डबलेट, कितना हुआ नॉन डबलेट आने की? 30/36, यानी 5/6।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना हो गया 6/36 दैट इज 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट कितना हुआ 30/36 दैट इज 5/6. मानते हो बेटा? तो 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 रिजल्ट कितना आया 5/6 की पावर 4. या फिर इसको ऐसे अप्रोच करो, आउट ऑफ 4 यू नीड 0 डबलेट्स, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0, नॉन डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 4, राइट? अब आ जाओ x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे कितना हुआ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, नॉन डबलेट नॉन डबलेट नॉन डबलेट 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 नॉन डबलेट. तो चार केसेस बने, 5/6 की पावर 3, 1/6. दूसरा तरीका बाइनोमियल से, 4c1, 1/6 to power 1, 5/6 to power 3. ठीक है. तीसरा, x इक्वल टू 3 पे आओ, x इक्वल टू 2 पे केसेस, नॉन डबलेट नॉन डबलेट 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 नॉन डबलेट 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 नॉन डबलेट 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 नॉन डबलेट नॉन डबलेट नॉन डबलेट डबलेट नॉन डबलेट 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 नॉन डबलेट डबलेट नॉन डबलेट डबलेट नॉन डबलेट नॉन डबलेट डबलेट. 6 केस बने. तो 6 into, अब इसमें इजीली मिस हो सकता है तुमसे, इसमें कोई केस मिस हो सकता है. तो 6 केसेस, 5/6 की पावर 2, 1/6 की पावर 2. दूसरा तरीका 4c2, 4 trials में 2 बार जीतना है आपको, 4c2, 5/6 की पावर 2, 1/6 की पावर 2. फिर x इक्वल टू 3 पे आए, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, नॉन डबलेट 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 नॉन डबलेट 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 नॉन डबलेट 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 नॉन डबलेट. 4 केसेस, 1/6 की पावर 3, 5/6 की पावर 1. दूसरा 4c3, 1/6 to power 3, 5/6 to power 1. बेस्ट तरीका है कॉम्बिनेशन यूज करो, कोई केस नहीं बनाना, प्रॉपरली डिफाइन करो कि ये सक्सेस मान रहे हो, इसको फेलियर मान रहे हो, और धड़ाधड़ सॉल्व करे जाओ. फॉर x इक्वल टू 4 पे आओ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 पे डबलेट 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 एक ही केस, 1/6 की पावर 4. या फिर 4c4, 1/6 to power 4, 5/6 to power 0. अब इसका टेबल बना दीजिए. टेबल जब आप बनाएंगे, x 0, 1, 2, 3, 4 px, इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज लिखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. गॉट इट? समझ में आ गया? एक और देखिए. रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, इस टाइप का है. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है. आपको बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. क्या बोला था आपको? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1. टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. सो 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k, कितना हो गया? 1. इन सबका सम किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर. जोड़ दीजिए, 2, 3, 4, 4k इज इक्वल टू 1. ये हुआ 0.6, ये आ गया 0.4, के आ गया 0.1, के आ गया 0.1. मतलब ये टेबल चेंज हो जाएगा. अब इस टेबल को प्रॉपर बनाते हैं.
एक्स और पी एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ये है पॉइंट वन, के की वैल्यू पॉइंट वन, ये वैल्यू पॉइंट टू, ये वैल्यू पॉइंट टू, ये वैल्यू पॉइंट थ्री, ये वैल्यू पॉइंट वन. सेकेंड पार्ट में आपको बोला प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन. प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू माइनस टू की प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू माइनस वन की प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो की प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन की. यही मतलब हुआ, वन से छोटा या वन के इक्वल, यही मतलब हुआ. जोड़ दीजिए वैल्यूज, एक्स इक्वल टू माइनस टू की है पॉइंट वन, फिर पॉइंट वन, फिर पॉइंट टू, फिर पॉइंट टू, कितना आया पॉइंट सिक्स. ये था सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको बोला प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू टू प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू थ्री. जोड़ दे वैल्यूज, जीरो की है पॉइंट टू, फिर पॉइंट टू, फिर पॉइंट थ्री, फिर पॉइंट वन. चार पांच सात आठ नौ, चार पांच सात आठ, जीरो पॉइंट एट. समझ में आ गया सबको? क्लियर? ये था बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब दूसरी चीज इसमें एक और निकाल सकते हैं, मैंने इसमें बाइनोमियल भी साथ में जोड़ दिया, बाइनोमियल आपके कोर्स में नहीं है. इसमें एक और चीज आप निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो अगली क्लास में करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.